हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो के साथ आज का क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक से रूल्स और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला रूल है, या तो बोल सकते हैं आज का हमारा पहला फॉर्मूला है, इंक्रीज परसेंट। अगर क्वेश्चन बोलता है इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। ठीक, हिंदी में बात करते हैं तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बट्टा में प्रारंभिक मान गुने 100%। इसी तरह इसी का एक और फॉर्मूला होता है उल्टा वाला, डिक्रीज परसेंट। इसमें सिर्फ क्या आएगा, ऊपर में डिक्रीज आएगा, नीचे वही इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। हिंदी में बात करते हैं तो कमी प्रतिशत, ऊपर में क्या आएगा, कमी बटा में प्रारंभिक मान गुने 100। तो इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इंक्रीजेस फ्रॉम 60,000 टू 65,000 देन फाइंड द इंक्रीज परसेंट। यदि झारखंड की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। हमको निकालना है इसमें वृद्धि प्रतिशत, मतलब इंक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट फॉर्मूला क्या था, इंक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। मैं फॉर्मूला के साथ क्यों बता रहा हूं, ताकि आप बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। खैर, इसका जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो जितना का इंक्रीज हुआ, 60,000 से 65,000 हो गया, मतलब 5,000 का इंक्रीज हुआ यहाँ पे, तो 5,000 ऊपर लिखेंगे। इनिशियल वैल्यू मतलब प्रारंभिक मान, पहले कितना था तो 60,000 था, तो उसको नीचे लिखते हैं इनटू 100 और ये आएगा परसेंट में। यहां से 30, ये 30 खत्म, ये 5 से काटेंगे तो 12 में, ये 1, तो आपको पता है 1/12, ये 100 को मत देखिए, 1/12 का फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको लिखाया था कितना, 8.1/3%। यही हमारा आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ टोमेटो डिक्रीजेस फ्रॉम 60 रुपीज पर केजी टू 50 रुपीज पर केजी देन फाइंड द डिक्रीज परसेंट। यदि टमाटर का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है डिक्रीज परसेंट। तो बहुत से लोगों का आंसर आ गया होगा, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू जितना का डिक्रीज हुआ बटा में इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। ये हमारा फॉर्मूला था। डिग्रीज कितना का हुआ, तो 60 से 50 हो गया, मतलब 10 रुपया घट गया, तो 10 बटा इनिशियल वैल्यू कितना था, तो 60 था गुने 100। ये 10 खत्म, 100 को भूल जाइए। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 16.2/3%। या फिर आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ही इतना ही आएगा। तो इसीलिए हम फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करवाए थे, 1/6 से कितना होता है, 16.2/3%। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए इसके बाद कुछ और भी रूल्स देखते हैं, उसके बाद हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आगे का जो रूल मैं बताने वाला हूं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं पे 20% इंक्रीज
अगर कहीं 20% इंक्रीज करने बोलता है तो 20% का मतलब 20/100 होता है। तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है इसी को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, और ये जो ऊपर वाला वैल्यू है यहां पे इंक्रीज बोला है तो ये जो है 100 में से 20 का इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा क्या है, जितना का इंक्रीज बोलेगा वो इंक्रीज यहां पे, ठीक है, मतलब कि 100 में से 20 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसी को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, अगर डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद है तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का 1/5 होता है। तो ये जो 5 है ये हमारा क्या है, इनिशियल वैल्यू है, और ये 1 जो है वो क्या है, इंक्रीज है, मतलब कि 5 में से 5 में से 1 का इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर 100 में से 20 का इंक्रीज हो रहा है तो अगर इसमें हम बात करें न्यू वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू तो 100 है तो न्यू वैल्यू कितना होगा, 120 हो जाएगा, बढ़ने के बाद ये 120 हो जाएगा। अगर यहां पर हम न्यू वैल्यू का बात करते हैं तो ये कितना होगा, 5 में 1 जुट जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम यहां पर न्यू फ्रैक्शन का बात करते हैं, अगर जो यहां पे न्यू जो फ्रैक्शन बनेगा इस तरह का वो कितना बनेगा बढ़ने के बाद, तो 120/100 बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में। अगर यहां पर बोले 20% डिक्रीज, मतलब 20/100, 20% का मतलब ये होता है नीचे वाला जो होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब इस बार ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा, 20 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं न्यू वैल्यू का यहां पर, तो 100 में से 20 का डिक्रीज हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो 20 घट के क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अगर इस तरह फ्रैक्शन के फॉर्म में बात करते हैं तो 1/5 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ये 5 जो है ये हमारा क्या है, इनिशियल वैल्यू है, और ये 1 इस बार क्या है, तो डिक्रीज है। अगर यहां पे हम न्यू वैल्यू का बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इस बार 4 हो जाएगा, एक घट जाएगा। अगर हम ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन का था, इसका हम इतना कर सकते, लेकिन अगर पूर्णांक के फॉर्म में परसेंटेज रहेगा, जैसे 16/2/3 % इंक्रीज, तो इसको तो हम फिर इस तरह करने में टाइम लगेगा, दिक्कत होगा, इसीलिए हम दोनों बताए हैं फ्रैक्शन को लेकर। तो इसका फ्रैक्शन देखते हैं, 16/2/3% इंक्रीज मतलब 1/6 है, ये जो 6 है नीचे वाला ये क्या होगा, इनिशियल वैल्यू, और ये 1 क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इसमें हम न्यू वैल्यू को अगर बात करते हैं तो 6 में 1 बढ़ रहा है मतलब ये न्यू वैल्यू जो आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। इसी तरह डिक्रीज का भी देख सकते हैं, तो वही। इसके बाद हम कुछ और भी चीजें सीखेंगे, वो आगे चल के देखते हैं। हम अगला रूल देखने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं इनिशियल वैल्यू को 100 मानकर चलते हैं, इनिशियल वैल्यू इसको हम 100% मानकर चलते हैं, मतलब एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक। अगर यहां पर 20% इंक्रीज बोले, ठीक है, तो अभी हम बताएं न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 कैसे होता है, तो 100% मतलब जो इनिशियल वैल्यू जो होता है उसमें क्या करते हैं, जितना का इंक्रीज हुआ उसको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 120%। अब इस 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो दो तरह से हम लिख सकते हैं, 120/100, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन अब आपको ये भी जानना होगा 100/120।
इसमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मोर फ्रैक्शन। ऊपर वाला वैल्यू मतलब न्यूमरेटर छोटा है, इसलिए लेस फ्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये अगर ये आप नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा जो इसके थ्रू बहुत जल्दी बनेगा क्वेश्चन। हालांकि ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये आप नहीं भी जानते हैं तो भी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मैं जितना कुछ जानता हूं मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें आपको बताएं। तो चलिए फिर से आगे चलते हैं। इनिशियल वैल्यू को तो हम 100 ही मानकर चलते हैं, इस बार क्या होगा 20% डिग्रीज को लेकर चलते हैं। तो हमको पता है डिक्रीज मतलब क्या करेंगे, कम करेंगे, तो -20%। तो यहां पे क्या होगा न्यू वैल्यू 80%, अभी हम निकाल के भी देखे थे पीछे। तो अब इस 80% को फिर से हम दो तरह से लिखेंगे, एक 80/100 और एक 100/80। इस बार न्यूमरेटर छोटा है तो इसको बोलेंगे लेस फ्रैक्शन, इधर न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको बोलेंगे मोर फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक पूर्णांक वाला परसेंटेज वैल्यू लेके देखते हैं, तो इसको पहले आप नोट करिए। तो चलिए एक पूर्णांक वाला फ्रैक्शन वैल्यू लेके देखते हैं। मान लेते हैं यहां 16/2/3, अगर हम यहाँ इंक्रीज ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जोड़ना, पहले वाला वैल्यू इनिशियल वैल्यू में तो जोड़ देते हैं। लेकिन इस तरह से करना थोड़ा सा टफ होगा, तो हम क्या करते हैं, आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताए हैं, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और इसका कितना होता है 1/6। अगर हम इसको एलसीएम लेके जोड़ते हैं तो ये आएगा 7/6, मतलब नया जो फ्रैक्शन बनेगा। आपको ये पीछे बताएं कि ये इनिशियल वैल्यू और ये इंक्रीज, तो 6 और 1 7, नया वैल्यू क्या था 7 दफा, तो नया वैल्यू 7 है। लेकिन अगर फ्रैक्शन की बात करें क्या होगा, 7/6 होगा। इसी को हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं, कितना 6/7। तो ये न्यूमरेटर बड़ा है तो ये हो जाएगा मोर फ्रैक्शन, इसका न्यूमरेटर छोटा है तो ये हो जाएगा लेस फ्रैक्शन। ठीक है, इसको नोट करिए। एक हम यहां पे डिक्रीज लेकर दिखाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं इसमें। देखिए अगर हम यहां पे डिक्रीज कर दें, अगर हम यहां पे डिक्रीज करते हैं तो यहां पे माइनस होगा, यहां भी माइनस हो जाएगा। अब जब माइनस होगा तो यहां पे 6 में 1 घट करके क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहां पर ये 6/5 होगा। तो इस बार क्या है, न्यूमरेटर यहां पे छोटा है तो यहां पर इस बार हो जाएगा ये लेस फ्रैक्शन, इसका न्यूमरेटर यहां बड़ा हो गया तो ये हो जाएगा मोर फ्रैक्शन। तो इतना सारा रूल है आपको याद रखना है, उसके बाद अब क्वेश्चंस पर देखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी हमने पीछे भी रूल देखा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए फैन इज 2000, इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस बाय 10% देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द फैन। एक पंखे का मूल्य 2000 रुपए है, यदि इसके मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो पंखे का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने का हम दो तरीका या तीन तरीका, जितना हम मेरे पास पॉसिबल होगा उतना तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बेसिक को लेकर चलते हैं, जो हम लोग बचपन से सीखते हैं। एक पंखे का मूल्य 2000 रुपए है, मान लेते हैं ये 2000 रुपए प्राइस है। यदि इसके मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो बचपन हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे, किसका, इसका 10%, मतलब 2000 का 10%, ये तो ये
दो जीरो कट करते थे, कितना आता था 2000 प्लस 200, तो ये कितना आया 2200 रुपए। ये हम लोग बचपन से सीखते हुए आए हैं। अगर हम दूसरा रूल का बात करते हैं, जो मोर फ्रैक्शन और लेस फ्रैक्शन हम लोग सीखे वो वाला वैल्यू। अब देखते हैं ये 2000 इनिशियल वैल्यू दिया होगा, मतलब वैल्यू दिया हुआ है प्राइस इसका, बोला है 10% का वृद्धि होगा। 10% का वृद्धि जो होगा तो नया वाला जो फ्रैक्शन बनेगा वो कितना होगा 110, 10 जुट जाएगा और बटा में 100, इतना ही बनेगा। यहां हम मोर फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2000 पहले दाम था, अब मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो बाद में क्या होगा, दाम बढ़ेगा ना, और दाम बढ़ेगा मतलब ज्यादा वैल्यू निकालना है, इसलिए मोर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब दाम बढ़ रहा है मतलब ज्यादा वाला वैल्यू हमको निकालना है, तो ज्यादा वाला वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं मोर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये सो कट जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर आएगा 2200 रुपए, ये होगा आंसर। ये हमारा हुआ सेकेंड मेथड। ठीक है, इसी को अगर हम थर्ड मेथड से, मतलब मेथड नहीं है, प्रोसेस अलग अलग है बस, सॉरी, अगर हम यहां पर थर्ड मेथड का बात करते हैं जो हम फ्रैक्शन से उठाएंगे, बोला है 10%, इसको भूल जाइए अभी, ये वृद्धि कितना करने बोला है 10%, तो हमको पता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। अब हमको पता है कि ये जो 10 है वो हमारा इनिशियल वैल्यू है, ये हमारा इनिशियल वैल्यू है, और ये अगर यहां पे क्या बोला है, वृद्धि बोला मतलब इंक्रीज। ठीक है, ये हमको समझ में आया, मतलब कि ये इनिशियल वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है प्राइस जो है वो पहले क्या होगा 10, और 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 का वैल्यू जो है वो हमको 2000 रुपए इतना दिया हुआ है, रुपया में लिखते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मतलब पहले का जो प्राइस है, तो 10 का जो वैल्यू है यहाँ पे हमको 2000 रुपए दिया हुआ है। अगर हम यहां से 1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितना निकलेगा, तो यहाँ पे मेरा 200 रुपए निकलेंगे, 0-0 कट जाएगा। अब देखिए ये तो इनिशियल वैल्यू है और इंक्रीज इतना हो रहा है, तो इंक्रीज होने के बाद जो न्यू वैल्यू बनता है वो कितना बनेगा, तो 10 और 1 कितना 11, मतलब कि हमको 11 का वैल्यू निकालना है बढ़ने के बाद। यहां 10 में 1 बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो अब क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू 11 हो जाएगा, मतलब हमको 11 का वैल्यू निकालना है। तो जब 1 का वैल्यू 200 है तो 1 को 11 से गुना किए तो 11 बना, तो इधर भी क्या करेंगे 11 से गुना करेंगे, 11 × 2 = 22, तो ये हमारा आंसर है। तो ये हम लोग बचपन में सीखते थे, तो इसका तरीका यूज नहीं करना है, या तो आप इसका ये तरीका यूज करिए या तो आप ये तरीका। ये सिर्फ देखने में थोड़ा सा ज्यादा लंबा लग रहा है, लेकिन ये इतना लंबा है नहीं, जितना शॉर्ट में ये बनता है उतना ही शॉर्ट में आप ये सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 का वैल्यू 2000, तो 1 का वैल्यू 200, तो 11 का वैल्यू 11 × 2 = 2200, ऐसे आप सोचकर आंसर टिक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ ए क्लॉक डिक्रीजेस बाय 11:1/9%, देन द प्राइस ऑफ ए क्लॉक बिकम्स 7200 रुपीज, व्हाट इज द इनिशियल प्राइस ऑफ द क्लॉक। जब एक घड़ी के मूल्य में 11.1/9% की कमी हो जाती है तो घड़ी का मूल्य 7200 रुपए हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, इस बार क्या पूछा है, घड़ी का प्रारंभिक मूल्य। तो इसको भी हम 2-3 तरह से करवाते हैं, सबसे पहले बेसिक से करवाते हैं। हमको मान लेते हैं जो हम लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन आपको बताए हैं वो हमको नहीं आता है, वो हमको नहीं मालूम है, तब कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस इनिशियल प्राइस जो है, प्रारंभिक मूल्य जो है, उसको हम एक्स मानते हैं। ठीक है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो एक्स में कितना प्रतिशत की कमी करने बोला है, तो 11.1/9, तो 11.1
एक बटा नौ परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है, एक बटा नौ होता है। नौ जो है मेरा इनिशियल वैल्यू है और ये क्या है, एक इंक्रीज हो रहा है, मतलब नौ से दस हो रहा होगा, नौ से सॉरी इसमें तो कमी हो रहा है ना, तो नौ में एक घट रहा होगा, मतलब नौ से आठ हो रहा होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे आठ बटा नौ लिखना है, लेस फ्रैक्शन, क्या है कि कमी हो रहा है, और कमी होने के बाद ये कितना हो जा रहा है, तो बहत्तर सौ रुपया हो जा रहा है। ठीक है, आठ से इसको कट करेंगे नौ बार में, नौ सौ, तो एक्स का वैल्यू इक्यासी सौ रुपया, ये आंसर होगा। लेकिन मैं इसको यूज करने के लिए नहीं बोलूंगा, इससे अच्छा मेथड है या तो आप लेस फ्रैक्शन या मोर फ्रैक्शन, लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन जो रूल बताए हैं, कंसेप्ट बताए हैं, उससे करिए, या फिर जो परसेंटेज वैल्यू से है उससे करिए। तो अगर हम लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन से करते हैं, मतलब सेकेंड टाइप से, तो क्या होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, अगर हम ग्यारह पूर्णांक एक बटा नौ का फ्रैक्शन वैल्यू को याद है वन बाय नाइन होता है, तो एक काम करते हैं, हमको दिया हुआ है बहत्तर सौ रुपए, ये हमको दिया हुआ है, हमको पता है कि ये जो बहत्तर सौ रुपए है वो कम होने के बाद आया है, ये कम होने के बाद आया, मतलब कि इसके पहले जो वैल्यू रहा होगा वो ज्यादा रहा होगा, मतलब हमको ज्यादा वाला वैल्यू निकालना है, और ज्यादा वाला वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, मोर फ्रैक्शन। तो यहां पे 11 पूर्णांक एक बटा नौ परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू वन बाय नाइन, तो अगर इसमें हम कमी करते हैं तो आठ बटा नौ, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं नौ बटा आठ, तो ये होता है लेस फ्रैक्शन, ये होता है मोर फ्रैक्शन, ये हम पढ़े हैं। तो हमको यहाँ पे यूज करना है मोर फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो कम होने के बाद आया था, तो इसके पहले जो वैल्यू रहा होगा वो ज्यादा रहा होगा, मतलब हमको ज्यादा वाला वैल्यू निकालना है, और ज्यादा वाला वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे मोर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइन बाई एट, आठ से इसको काटेंगे नौ बार में, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा इक्यासी सौ रुपए। ठीक है, तीसरा टाइप, थर्ड मेथड अगर देखते हैं, तो हमको दिया हुआ है ग्यारह पूर्णांक एक बटा नौ परसेंट, मतलब एक बटा नौ, हमको पता है ये इनिशियल वैल्यू है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है एक कम होने के बाद तो कितना आएगा, अगर ये इनिशियल वैल्यू है, लिख लेते हैं यहां पे, अगर ये इनिशियल वैल्यू है और ये डिक्रीज, ये आपको बार बार लिखना नहीं है एग्जाम में, बस ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं। डिक्रीज, ठीक है, तो न्यू वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, न्यू वैल्यू जो आएगा वो इस बार क्या आएगा, आठ आएगा, तो हमको घटने के बाद, तो हमको पता है घटने के बाद ये बहत्तर सौ रुपए हो जा रहा है, मतलब इस आठ का जो वैल्यू है वो कितना है, बहत्तर सौ रुपए है। तो यहां से अगर हम एक का वैल्यू निकालते हैं, आठ से काटेंगे, आठ नौ है बहत्तर, मतलब यहाँ पे बचेगा नौ सौ, तो हमको निकालना है प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल में कितना वैल्यू है, नौ है, मतलब हमको नौ का वैल्यू निकालना है, तो नौ से मल्टीप्लाई करेंगे, नौ नौ इक्यासी सौ रुपए, ये हमारा आंसर है। तो आप या तो ये यूज करिए या तो ये यूज करिए, इससे क्या है, इतना लिखना नहीं है, बस ये आप मतलब मन में सोच करके कर सकते हैं। जैसे ये नाइन क्या है, वो इसका फ्रैक्शन वैल्यू वन बाय नाइन, मतलब नाइन इनिशियल वैल्यू है, तो एक कम करेंगे आठ, आठ का वैल्यू दिया हुआ है बहत्तर सौ, तो आठ नौ बहत्तर, नौ सौ, एक का वैल्यू नौ सौ, तो नौ का वैल्यू इक्यासी सौ, इस तरह आप बता सकते हैं। या फिर आप मोर फ्रैक्शन और लेस फ्रैक्शन यूज करिए, ये कम होने के बाद वाला वैल्यू था, तो इसके पहले जो वैल्यू रहा होगा वो ज्यादा रहा होगा, मतलब हमको ज्यादा वाला वैल्यू निकालना है तो मोर फ्रैक्शन यूज करेंगे, अगर कम वाला निकालना होगा तो लेस फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो उम्मीद है यह लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को आप बार बार देखिए, और ये अगर समझ में आ जाता है तो आगे का जितना भी चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस सीआईएसआई, वो सारे आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। When a person's salary increases by 16:2 by 3%, then his salary becomes 8,400 rupees. What was the starting salary of the person? जब एक व्यक्ति के वेतन में 16 पूर्णांक 2/3% की वृद्धि होती है तो उसका वेतन 8,400 रुपए हो जाता है। व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन क्या था?
तो फ्रेंड्स 16 पूर्णांक 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। अगर हम मतलब कि ये 6 से 7 हो रहा होगा, एक बढ़ रहा होगा, मतलब अगर हम इसको लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 7/6 और 6/7 ये दो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। 8400 रुपए जो वेतन है वो बढ़ने के बाद वाला वेतन है, मतलब बढ़ने के बाद वो 8400 रुपए हो जाता है। तो बढ़ने के पहले जो वेतन रहा होगा वो 8400 से कम रहा होगा, मतलब कि हमें जो वैल्यू निकालना है वो कम वाला वैल्यू निकालना है। तो कम वाला वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेस फ्रैक्शन यूज करते हैं। अगर यहां पे ज्यादा वैल्यू निकालने का रहता तो मोर फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं 8400 रुपए में ये बढ़ने के बाद का वैल्यू है, तो पूछा है प्रारंभिक कितना रहा होगा, तो लेस फ्रैक्शन यूज करेंगे 6/7। 7 से जब भागा देंगे तो 12 बार में 12 × 6 = 72, ये 7200 रुपए हमारा आंसर है। अगर हम सेकेंड मेथड का बात करते हैं, मतलब कि एक्स मानकर बनाए, मतलब हमको मान लेते हैं ये लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन हमको नहीं मालूम है, तब क्या करेंगे। तो मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू जो है वो एक्स मान लेते हैं, और एक्स में कितना का वृद्धि हो रहा है, 16 पूर्णांक 2/3, इसका वैल्यू कितना होता है 1/6, तो 6 में 1 बढ़ेगा तो 7/6 हो जाएगा। तो 7/6 अगर यहां लिखते हैं तो बढ़ने के बाद कितना होगा 8400 रुपए, ये होगा। यहाँ पे 7 से काटेंगे 12 बार में, 12 × 6 = 72, यहाँ पे आंसर। तो लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन कुछ और नहीं है, बस इसी यही वाला वैल्यू को उठा के इधर लिखते हैं और इसी को डायरेक्ट लिखने के लिए लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसी चीज को हम डायरेक्ट लिखते हैं इधर करके। अगला अगर हम देखते हैं थर्ड मेथड कि 16 पूर्णांक 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, ये हमको पता है ये इनिशियल वैल्यू है और ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहां पे न्यू वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, तो 7 आएगा, और इसी 7 का वैल्यू कितना है 8400 रुपए, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 1200 रुपए। तो हमको निकालना है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना है 6, तो 12 × 6 = 7200 रुपए, यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन उसमें मैं कोई एक तरीका से ही करवाऊंगा। एक तरीका वो क्या होगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड ज्यादा आसान होगा, हम उसी को बताएंगे। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।